Hello dear viewers, good morning and welcome back to my channel. And my name is Biram Sukri and I am from Teju. तो मैं भी कुछ कहना चाहूँगा मोनो के मैदर में. तो एज ए रेगुलर व्यूअर ऑफ मोनो, तो मैंने स्टार्टिंग से देखा हूँ मोनो का वीडियो को. तो मुझे नहीं लगता कि मोनो ऐसा किसी के बारे में ऐसे गलत सोच सकता है और किसी को गलत होते हुए देख सकता है. मुझे ऐसा नहीं लगता. तो मैं मोनो का सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं किसी का सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व किया हूँ मोनो को देख देख के, ठीक है, वो चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबको. तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मोनो एक बहुत अच्छी आदमी है. एज ए यूट्यूबर आई अंडरस्टैंड कि नबम और कुंदन को अभी क्या फील हो रहा होगा, मुझे पता है. यूट्यूब पर एक स्ट्रैक लगना ये छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है. मोनो शायद ये जानबूझ के नहीं किया होगा, तो मुझे नहीं लगता वो जानबूझ के किसी के ऊपर ऐसा कर सकता है. तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है. तो आप लोग भी ऑब्जर्व किया होगा, जो जो मोनो को स्टार्टिंग से देखते आया है, तो आप सब जानता होगा मोनो एक भगवान पे विश्वास रखने वाला आदमी है. जो आदमी भगवान को विश्वास रखता है, भगवान पे बिलीव करता है, वो आदमी किसी के ऊपर किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ ऐसा, ठीक है. और चलो मिस्टेक तो हुआ होगा, मोनो भी इतना मतलब खुद भी कह रहा था कि इतना टेक्निकली यूट्यूब में वो भी इतना नॉलेज नहीं रखता है, लेकिन वो वीडियो बना लेता है. तो ऐसा हुआ होगा शायद, तो ऐसा होगा ताकि, लेकिन मोनो भी गलती से, उसका मिस्टेक से, उसका गलती से वो भी एक सबक सीखा है, तो वो बहुत बड़ा बात है. तो वो अपना गलती मान रहे, तो आप सबको भी मौका देना चाहिए एक और एक बार मोनो को भी. तो गाइस, मुझे नहीं लगता कि मोनो किसी के साथ गलत कर सकते हैं ऐसा. आपको भी एक बार सोचना चाहिए. सो रिसेंटली एक लड़का है जो नमसायका है, उसका लड़का का चैनल का नाम है रूपम द एक्सप्लोरर, ठीक है. आप सब भी देखा होगा, जो मोनो में मोनो का भी जो रोज देखता है, रेगुलर देखता है, वो लोग को पता होगा. और रूपम का जो यूट्यूब चैनल है उस वो जो ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेकिन वो लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करते आया है. तो लेकिन उसका जो चैनल जो थोड़ा ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो मोनो क्या किया है कि उसको सपोर्ट किया है, उसको इंकरेज किया है और मोटिवेट किया है. और साथ ही साथ मोनो ने उसको फ़ोन भी गिफ्ट किया है, आईफोन. आमतौर पर किसी को इतना डामी फ़ोन गिफ्ट नहीं करता है, लेकिन मोनो एक ऐसा आदमी है जो हर किसी को आगे ले जाना चाहता है. तो ऐसा आदमी किसी के साथ गलत तो ये नहीं कर सकता, ये मैं मानता हूँ ऐसा. तो गाइस, हमें मोनो को एक बार चांस देना चाहिए. तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार सोचिए और समझिए. और कुंदन और नबम, आप दोनों को भी बहुत ख़राब लगा होगा, तो आप दोनों भी मोनो का अच्छा फ्रेंड है, तो आप दोनों भी समझना चाहिए मोनो का. मोनो भी इतना मतलब टेक्निकली यूट्यूब के बारे में इतना उसका नॉलेज नहीं है, तो वो चीज़ को आप समझना चाहिए. गलती हो गया उनसे भी, तो आज वो माफ़ी मांगा था, हम भी देखा था. तो आप भी एक बार चांस देना चाहिए मोनो. सो गाइस, मेरा इस वीडियो से किसी को तकलीफ हुआ है या किसी को बुरा लगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ मैंने शेयर किया है, तो मोनो भी मुझे फ़ोन करके या कुछ भी करके, मोनो हमको वीडियो बनाओ ऐसा नहीं बोला है. तो मैं अपना दिल से बना रहा हूँ ये वीडियो, किसी का दबाव में नहीं बना रहा हूँ. किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया कि वीडियो बनाओ बोल के. तो ठीक है, इतना है. तो आज के लिए इतना है. तो प्लीज़ आप लोग मोनो को प्यार देते रहिए और मौका दीजिए एक बार. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.